मुख्यमंत्री पद तो अभी उनके हाथ में अगले भविष्य में लगता नहीं है, जब तक केस से उभरी नहीं हो जाएंगे तब तक इतना इजी नहीं होगा उनके लिए वापस मुख्यमंत्री बनना। ये इनका सिर्फ एक ढोंग और प्रपंच है जिनको दिल्ली के मुझे लगता है सभी लोग समझ चुके हैं। इनकी ये चाल शायद है कि दिल्ली में कामयाब हो। और कई नेता इनके जेल में भी रह के आए हैं, जो इनके मैन साथी हैं वो जेल में रह के आए हैं, और जो छुट भैया नेता हैं उनको ये मुख्यमंत्री बना नहीं सकते हैं। अगले चुनाव के अंदर जैसे ये इस्तीफा देंगे जनता इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जनता को कहीं का नहीं छोड़ा। जिस व्यक्ति पर इतने सारे आरोप लगते हैं ना, तो उसको किसी भी ऐसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जो जनता के हक से जुड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को आखिर कौन नहीं जानता। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के सभी सदस्य काफी चर्चा में रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। बाहर आते ही उन्होंने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिससे राजनीति माहौल जो है वो काफी गर्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि 2025 के चुनाव वो लड़ेंगे और अगर जनता उन पर विश्वास करती है तो दोबारा जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में जरूर देखेगी। क्या लगता है सर, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ऐलान किया है अब उनकी जगह कौन लेगा और क्या 2025 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, ही शुड हैव गिवन द रेजिग्नेशन मच अर्लियर एट द टाइम व्हेन ही वाज अरेस्टेड फर्स्ट। अब जो ऐलान करके इस्तीफा देने का मन है उनका, ठीक है, अच्छा मन है उनका, वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं, बट यदि वो जनता के बीच में जा करके भी वापस चुनाव जीत जाते हैं तब भी वो मुख्यमंत्री पद की गद्दी नहीं संभाल पाएंगे। मुख्यमंत्री पद तो अभी उनके हाथ में अगले भविष्य में लगता नहीं है, जब तक केस से उभरी नहीं हो जाएंगे तब तक इतना इजी नहीं होगा उनके लिए वापस मुख्यमंत्री बनना। अब आपका अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उन्हीं का कोई सिपहसालार होगा, खास जना होगा। इधर ही कैन बी सौरभ भारद्वाज, आतिशी मरलेना, राघव चड्ढा कैन ऑल्सो बी ए गुड कंटेंडर, ही इज यंग। यदि वो वाइफ को बनाते हैं तो फिर तो वही परिवारवाद, नेपोटिज्म जो देश में पहले से चल रहा था और जिस चीज के अगेंस्ट आए थे पार्टी बना करके, तो ये वही चीज करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ये वो गलती करेंगे कि साहब वो सुनीता केजरीवाल को बनाएं। और जो इस्तीफा वो कह रहे हैं कि अब जमानत हो गई है, मैं बाहर आके इस्तीफा दे दूंगा, अगर वो अपने पास्ट में जाएं तो ये वही व्यक्ति है दिल्ली का जो आरोपियों को उस समय यही कहा करते थे वो कांग्रेस के जो शासक थे उन लोगों को कि भाई जिस पे आरोप लगे वो पहले इस्तीफा दे, जेल जाए ताकि जांच ईमानदारी से हो सके। ये फॉर्मूला ये लोगों को बताते गए पर ये इन्होंने खुद पे लागू नहीं किया। जब ये जेल गए इनको ये इस्तीफा तभी देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर, दिल्ली वालों को उस समय ये मैसेज देते कि भाई मेरे पे आरोप लगा है, मैं ईमानदार हूँ, मैं इस पद को छोड़ रहा हूँ और जेल जा रहा हूँ, मुझे जब न्यायालय आरोप मुक्त कर देगा तब मैं इस पद पे बैठूंगा। ये इनका सिर्फ एक ढोंग और प्रपंच है जिनको दिल्ली के मुझे लगता है सभी लोग समझ चुके हैं। इनकी ये चाल शायद है कि दिल्ली में कामयाब हो। अगले चुनाव के अंदर जैसे ये इस्तीफा देंगे जनता इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जनता को कहीं का नहीं छोड़ा। मैडम, उन्होंने जो इस्तीफे की पेशकश करी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर इतने सारे आरोप लगते हैं ना, तो उसको किसी भी ऐसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जो जनता के हक से जुड़ा हुआ, कभी नहीं रहना चाहिए उसको। तो उसको इस्तीफा भी देना चाहिए और बल्कि मैं तो कहूंगा किसी भी पद पर रहना नहीं चाहिए। लेकिन इस्तीफा देने के बाद, जैसा कि 2 दिन में वो इस्तीफा देंगे, ऐसे में कई सारे नाम है जो उनकी जगह लेने के लिए सामने आए, तो क्या लगता है आपको भी कोई ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति है जो अरविंद केजरीवाल की जगह आम आदमी पार्टी का पूरा कार्यभार संभाल सकता है? मैडम, मुझे लगता है, मेरी निजी सोच है, मैं दूसरों से तो नहीं जानते, एक पब्लिक की सोच है मेरी, कि जिस पार्टी को, जो पार्टी आई थी वो ये कह के आई थी कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार के रास्ते पे नहीं चलेंगे, अच्छा काम करेंगे, और आज इतने सारे आरोप इनके ऊपर लगे कि भ्रष्टाचार की हद पार कर दिया इन लोगों ने, तो कम से कम इनको चुनाव में भाग लेना चाहिए, पार्टी को भंग कर दे या अपना सरकार को भंग करके दोबारा चुनाव में जाना चाहिए, और चुनाव में जाकर के फिर जनता का फैसला या आम आदमी का फैसला देखना चाहिए कि जनता की क्या सोच है, ये शायद मैं ज्यादा अच्छा मानूंगा। मैडम, ये तो जनता ही बताएगी जब वो चुनाव में जाएंगे कि जनता कितना उनको सही समझती है या गलत समझती है। ये सोच अरविंद केजरीवाल जी को रखना, अपने आप रखना कि जनता उनको बहुत अच्छा मानती है, गलत है। सुधर तो नहीं सकती क्योंकि सारे ही चोर बैठे हुए हैं, कोई भी इसकी पार्टी के एक करके ज्यादातर नेताओं के नाम इसमें आए हैं और कई नेता इनके जेल में भी रह के आए हैं, जो इनके मेन साथी हैं
वो जेल में रह के आए हैं, और जो छुट भैया नेता हैं उनको ये मुख्यमंत्री बना नहीं सकते हैं। तो ये जो घोटाला है इसमें तो अभी जमानत इन्हें मिली है, अभी तो ये कंफर्म नहीं है कि ये दोबारा जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी कानून की प्रक्रिया चल रही है, कानून की एक प्रक्रिया है कि कोई भी कैदी हो, चाहे उसने मर्डर भी किया हो, तो उसे भी जमानत मिलती है। मगर जब ये कांग्रेस वालों के लिए बार बार एक चीज कहते थे कि भाई पहले जेल भेजो, ठीक है, अपने पद से इस्तीफा दो, मगर ये जेल में इतने दिन रहे, काफी हंगामा हुए, धरना प्रदर्शन हुए, भाजपा ने भी किए, कांग्रेस के द्वारा भी किए गए, मगर इन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया। आज ये बाहर आने के बाद में भी दो दिन इन्हें बाहर आए हुए हैं कि जो हर चीज में इनकी में आपको भ्रष्टाचार मिलेगा, चाहे वो स्कूल इन्होंने बनाए हों, चाहे ये जो जिस मॉल के अंदर आज मैं बैठा हुआ हूँ, इस मॉल के अंदर जब शराब की दुकानें खुली थी तो यहाँ पे इतनी भीड़ रहती थी कि पांव रखने की जगह नहीं मिलती थी। इतने लोग यहाँ पे दारू लेने के लिए आते थे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ दारू लेने आते थे कि भाई दिल्ली में एक के साथ एक फ्री मिल गया। जनता से हमने बात किया तो जनता ने अपने विचारों को हमारे समक्ष रखा और उन्होंने बताया कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी कई समय से, काफी समय से चर्चाओं में है और जिस तरह से घोटालों में उनके नाम सामने आए हैं, ऐसे में जनता कहीं ना कहीं आज भी केंद्रीय अरविंद केजरीवाल पर जो है अपना विश्वास कायम करने के लिए सोच रही है। बाकी 2025 के चुनाव को लेकर क्या रिजल्ट सामने आएंगे ये तो 2025 के चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। बाकी और भी जानकारियां हम आपको ऐसे देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज चैनल। धन्यवाद।